अगली बार कब तक आना है? जय हिंद एवरीवन। आज अपने फौजी भाई का छुट्टी पूरा हो गया यार, इसलिए आज वो अपना गांव घर खेती बाड़ी सब कुछ छोड़कर जहां से आया था वहां जा रहा है। तो आज के ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना, अभी देखते हैं। देखो यार, जब कोई भी फौजी छुट्टी पर वापस गांव आता है ना, तो उसके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। उनके माता पिता और उनके जो साथ दौड़े रहते हैं सब ना ग्राउंड में, उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है भाई कि आज हमारा दोस्त ट्रेनिंग फाइनल करके वापस घर आ रहा है। और जो भाई ड्यूटी करके घर आते हैं ना, तभी भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आज हमारे साथ दौड़ने वाला भाई फौजी बन गया था, आज छुट्टी पर गांव वापस आ रहा है, तो सब लोग खुश रहते हैं। लेकिन यार, जब ये लोग ड्यूटी पर जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं सब भाई। अब पता नहीं कहाँ ड्यूटी लगेगा, भाई कहाँ जाएगा और दोबारा वापस कब तक आएगा, तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है यार। बने रहना लास्ट तक। अभी चलते हैं अपने फौजी भाई के पास। अभी देखो, मैं बागीचे में था और यहाँ पर कोई भी नहीं है, वहाँ कुछ लोग हैं जो कि बकरी चरा रहे हैं, ठीक है ना। और देखो इधर, ये अपना खेत है, वो काफ़ी अच्छा लगता है खेतों में, ठीक है ना, इसलिए जब भी टाइम रहता है तो खेतों में आते रहते हैं। अरे यार, पैर में देखो कांटा कट गया। अभी इसको निकालते हैं सबसे पहले, बहुत खतरनाक था यार। और चलते हैं घर, पहले घर चलेंगे, उसके बाद से चौराहे पर जाना है, कुछ सामान लेना है। अपना घर चारों तरफ हरियाली से घिरी हुई है भाई, काफ़ी अच्छा लगता है यार। देखो मैं घर आ गया हूँ और घर पर कुछ काम हो रहा है, पता नहीं क्या काम हो रहा है। उधर हमारे पापा लगे हुए हैं जो कि ईटा उटा अभी जैसे बन रहा है, ठीक है ना, इन्हीं लोगों के लिए बनाया जा रहा है। और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है यार, वो जो बन रहा है ना, कभी कभी वो गिर जाता है तो फिर से उसको जोड़ना पड़ता है। वो जो मिट्टी जैसे है ना, पहले मिट्टी लगाया गया था, लेकिन अभी उसको जोड़ा जा रहा है, तो पूरा पूरा मतलब अच्छा हो जाएगा। वो पूरा घर इन्हीं लोगों के लिए बन रहा है भाई, तभी भी इन लोगों को संतोष नहीं हो रहा है। देखो कितना मारने के लिए आ रही है। इधर देखो अपना छोटा भाई है जो कि खेसारी लाल का काफ़ी खतरनाक वाला फैन है। देखो इसका चेहरा हमेशा गिरा रहता है। देखो अभी कितने रुपए का है, कितना रुपया लेंगे? 50 रुपया, ठीक है बनाइए। देखते हैं हाँ क्या क्या यार, अभी तो मैं कभी पिया नहीं, इसको दिखाओ अपने भाइयों को। बस इसमें पानी है, दूसरा कुछ नहीं है भाई। अब ये देखो नारियल का पानी है, तो अपना फौजी भाई यही सब पीता खाता है, ठीक है ना, नारियल का पानी। हाँ क्या एक साथ मिलकर पीने दोनों? अच्छा ये बोला एक साथ मिलकर पीना है भाई। देखो इसका वाला कट गया, अभी हमारा वाला कट रहा है, तो देखते हैं कब तक ये काट रहे हैं। बाकी यार, ये जब भर्ती नहीं हुआ था ना, तभी भी नारियल वरियल खाता था और केला वाला खाता था, ये कभी चाट फुल्की खाया ही नहीं है, तो अभी आदत बनी है इस भाई का। देखो अभी एक और दुकानदार आ गए यहाँ पर। फौजी भाई अपने घर चला गया और मैं अपने घर आ गया, साथ बने रहना, ठीक है ना, अभी ड्यूटी पर नहीं गया है। अभी तो देखो यार, हम लोग चौराहे पर गए थे, वहाँ बहुत सारा सामान लेना था, तो सारा का सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। और अभी उसका ट्रेन 8-9 बजे रात को है, इसलिए जैसे अभी हम लोगों के साथ ग्राउंड पर भी आएगा, ठीक है ना, तो अभी ग्राउंड पर चलते हैं। पहले थोड़ा काम था ना, इधर जो लोग बकरी चरा रहे हैं उसमें से हमारा एक भाई भी है, तो उसके पास चलता हूँ, क्योंकि जैसे उससे कुछ बोलना है ना, उसके बाद से फिर ग्राउंड पर अपना R15 और ये रहा अपना गांव, तो अभी चलते हैं ग्राउंड पर। वो पहलवान भाई से मुलाकात कर लो। पहलवान भाई राम राम भाई।
राम राम यार, राम राम रौनक भाई। देखो यार अभी अपना ग्राउंड पूरा का पूरा सुना सुना है, अभी देखते हैं कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग नहीं। बाकी अपना R15 का रफ्तार बहुत खतरनाक है, देखो वो लोग कितना ज़्यादा पीछे आ गए हैं, पीछे छूट गए हैं सब। ये ग्राउंड भी यार इतना ज़्यादा पछता रहा होगा ना, क्योंकि भर्ती नहीं आ रही है। अभी हम लोग सिर्फ ग्राउंड पर आए हैं भाई, अभी यहाँ पर कोई नहीं आया है। आप लोग देख सकते हो चारों तरफ पूरा का पूरा ग्राउंड खाली है, लेकिन कुछ देरी तक वेट करते हैं, अभी सभी लोग आ जाएंगे, अपना फौजी भाई भी आ जाएगा, तो देखते हैं जो कुछ भी होगा, बने रहना ठीक है ना भाई। देखो अभी फिलहाल में हम लोगों में सर तरह का है ठीक है ना, ये भाई रब्बी भाई अपने फौजी भाई को उठाएगा, और ये अपना फौजी भाई थोड़ा पतला दुबला है, आप लोगों तो पता ही है जो भाई दौड़ता है वो मतलब पतला दुबला हो जाता है पूरा इधर का, तो सर ये लगा है ना, अभी मैं इसको उठा रहा था तो नहीं उठा पा रहा हूँ, ये बोल रहा है कि उठा नहीं पा रहे हो, हमारा बेइज्जती करा दियो, तो मैं बोला हूँ उठाओ। देखो सर ये लगा है, अगर ये उठा देगा तो हम अभी अर्जेंट टाइम में 10 अंडा इसको खिलाएंगे सबके सामने, बोल रहा हूँ ठीक है ना, अगर नहीं उठा पाएगा तो तुम खिलाएंगे, अगर उठ देगा तो बहुत मार मार रुको 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 एक मिनट टाइम लगा देते हम बोला दो मिनट रेडी, दो मिनट का टाइम दे रहे हैं, रेडी रुका एक मिनट, हाँ चलो दो मिनट का टाइम दे रहे हैं। देखो इस भाई के साथ गलत किया है, ये हमको कान में बता दिया है ठीक है ना, जो गलत हुआ कान में बता दिया है, इसको कुछ डिस्टर्ब किया इसलिए उठा पाया ना, तो इतना आसान बात है फौजी भाई को उठाना। वो चीटिंग तो हुआ ही है, क्योंकि अपना फौजी भाई भी हमारे साथ चीटिंग किया है, और वो भी चीटिंग किया है, ये पता है क्या चीटिंग किया है, अपना जो बॉडी है ना पूरा लूज कर दिया है, और मैं इसको उठा रहा था तो पूरा का पूरा बॉडी एकदम टाइट था। चलो मेरे चल, देखो यार थोड़ा लेट हो रहा है, हम लोग अपने फौजी भाई का गांव इधर ही है, जो कि काफ़ी अच्छा नज़ारा है, आप लोग देख सकते हो बहुत सुनहरा लगता है भाई। देखो अपना फौजी भाई तो चला गया, लेकिन हमको एक गिफ्ट दे कर गया यार, देखो इसको किसी दूसरे दिन खोलेंगे ठीक है ना, इसमें पूरा का पूरा स्लीपिंग बैग है, जैसे जब भर्ती देखने जाते हैं ना तो वहाँ रोड पर सोना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था यार, इसलिए अपना भाई स्लीपिंग बैग दे दिया है, जो कि काफ़ी मजबूत है यार, जो फौज वाला सामान होता है ना वो बहुत मजबूत होता है भाई। अभी बहुत सारा टी शर्ट दिया है, जो कि आप लोग देख सकते हो, इधर भी वही भाई दिया है, इंडियन आर्मी पीछे लिखा हुआ है, तो बहुत सारा रिजल्ट है जिसके पीछे इंडियन आर्मी लिखा हुआ है, बहुत सारे भाई पूछते रहते हैं सब, तो सारा का सारा वही दिया है ठीक है ना, जो हमारा दोस्त है वही दिया है, और ये रहा अपना पूरा रूम। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना ठीक है ना, चलो ठीक है, जय हिंद।